जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप इशू करते हैं, तो आपको सबसे पहले बता दूं यह मैच चिदम्बरम स्टेडियम चेप्पुक चेन्नई के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन शाम के 7:30 बजे स्टार्ट होगा। तब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 14 अप्रैल को RCB वर्सेस SRH के बीच में मैच खेला गया था और इस साल इस वेन्यू के ऊपर IPL के 4 मैचेस हो चुके हैं। तो उस 4 मैचेस के अंदर अपन ने क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे मैं स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज है, तो आपको सबसे पहले फोटोज के ऊपर लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हो पिच यहाँ पर इस तरह से दिखने वाली है, ठीक है। इस पिच की खासियत क्या है, जो स्टेडियम है ना M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, इसकी पिच ब्लैक सॉइल से बनी है, काली मिट्टी से। इस पिच की खासियत क्या रहती है, जो पिच रहती है ना ये ढीली रहती थोड़ी सी, इसकी मिट्टी पिच को होल्ड नहीं कर पाती। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे मैच चलता है ना इस वेन्यू के ऊपर, तो रन्स नहीं बनते हैं और यहाँ पे कटर बॉलर्स और स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और पिच के ऊपर क्रैक्स धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं और यहाँ पे बैट्समैन को तकलीफ होती है बॉल को टाइम करने में। सीधी बात आपसे कह दी दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप पिच को देख सकते हो कितने दोस्तों यहाँ पे क्रैक्स है, ठीक है। आपको देखो ब्लैक कलर के पैचेस बनाए, काले कलर के धब्बे देखो आप, ठीक है। ये आप देख सकते हो पिच को बहुत ही ज्यादा दोस्तों यहाँ पे क्रैक्स है। पिच के ऊपर स्लो पिच, एकदम ड्राई पिच अपन कह सकते हैं, बैटिंग करना डिफिकल्ट है यहाँ पे। पावर प्ले के अंदर ना बैटिंग करना इजी यहाँ पर, तो आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन पे ध्यान देना है और जो 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग आते हैं ना आप उनको पिक कर सकते हो, लेकिन जो नीचे बैटिंग करने आते हैं ना उनको यहाँ पे शॉट्स मारने में दिक्कत होती है। और जो डेथ ओवर में बॉलिंग कराते हैं ना, मतलब जो 10 से लेके 20 ओवर में बॉलिंग कराते हैं ना, वो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, विकेट्स निकालते हैं इस वेन्यू के ऊपर। ग्राउंड डायमेंशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर सामने की बाउंड्री थोड़ी सी लंबी है, लगभग 76-80 मीटर की है। वही जो स्क्वायर बाउंड्रीज है ना लेग साइड की और ऑफ साइड की, आपको यहाँ पर 65 से लेकर 70 मीटर की दिखेगी। तो अपन कह सकते हैं सामने की बाउंड्री थोड़ी सी लंबी है, तो बैट्समैन क्या करते हैं यहाँ पे लेग साइड पे और ऑफ साइड पे टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये स्टेडियम आप देख सकते हो बहुत शानदार सा दोस्तों स्टेडियम है। अब यहाँ पे स्टैट्स की बात करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको मैंने फोटोज दिखा दी। अब देखो यहाँ पर जैसा आपसे कहा मैंने कि यहाँ पर ना स्टार्टिंग के 10 ओवर के अंदर बैटिंग करना इजी है, पहली पारी में भी देख लो आप, दूसरी पारी के अंदर भी देख लो, स्टार्टिंग के 10 ओवर में रन्स इजीली बनते हैं, फिर बाद में यहाँ पे बॉलर्स डोमिनेट करते हैं, उनको मदद मिलती है, ठीक है। और कटर्स बॉलर्स इफेक्टिव रहेंगे और स्पिनर्स को यहाँ पे दूसरी पारी के अंदर बहुत टर्न देखने को मिलती है, ग्रिप मिलता है पिच के अंदर। और इस वेन्यू के ऊपर चिदम्बरम स्टेडियम के ऊपर ना मुंबई इंडियंस ने 14 मैचेस खेले हैं, ठीक है, IPL के अंदर, और 9 मैचेस जीती हैं। ये दोस्तों फेवरेट है इस वेन्यू के ऊपर, ठीक है। वहीं SRH ना अभी तक यहाँ पर खाता भी नहीं खोला है, यहाँ पर 5 मैचेस खेले SRH हैदराबाद और एक भी मैच नहीं जीती है। जो टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है उसको एडवांटेज मिलता है, आप खुद देख सकते हो 7 मैचेस जीती है आउट ऑफ लास्ट 12 गेम्स। और जो लास्ट 2 मैचेस हुए थे ना जिसके अंदर KKR ने एकदम ब्लंडर करा था, और फिर आपने देखा था SRH ने भी दोस्तों पिछले मैच में कितनी बड़ी गलती करी थी यार, वहाँ पे डेविड वार्नर के आउट होते पूरा खेल खत्म सा हो गया था। यहाँ पे ना पहली पारी के अंदर बैटिंग करना इजी है, दूसरी पारी के अंदर बॉल थोड़ा सा रुक के आती है बैट के ऊपर, पिच और धीमी हो जाती है, एवरेज स्कोर 142-160 बनता दिखेगा। और यहाँ पे ध्यान देना है लास्ट 12 मैचेस में क्या हुआ था, अब ध्यान दो, ठीक है। तेज गेंदबाजों ने 70 विकेट निकाले हैं, अब देखो कैसे निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 33 विकेट, दूसरी पारी के अंदर 37 विकेट, ये दिखाता है दूसरी पारी के अंदर ज़्यादा विकेट गिरते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राइट आर्म बॉलर्स ने 63 विकेट निकाले हैं, और जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स होते हैं ना जो बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी कराते हैं उन्होंने 7 विकेट निकाले हैं। और स्पिनर्स ने यहाँ पर 72 विकेट निकाले हैं इस वेन्यू के ऊपर, पेसर्स से आगे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे विकेट निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 38 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 34 विकेट है। अब देखो किस टाइप के बॉलर्स ने यहाँ पे विकेट निकाले हैं, यहाँ पर ना लेग स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग स्पिनर्स ने यहाँ पर 27 विकेट निकाले हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने 23 विकेट निकाले हैं, और ऑफ स्पिनर्स ने यहाँ पे 22 विकेट निकाले हैं। जो लास्ट मैच हुआ था RCB वर्सेस SRH का, जिसको दोस्तों देख के लग रहा था जब डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे थे कि यहाँ पर कौन जीतेगी SRH, लेकिन दोस्तों RCB यहाँ पे बाजी मार गई थी शहबाज अहमद के बदले। तो यहाँ पे ना 14 अप्रैल में क्या हुआ था, जो लास्ट मैच हुआ था ना उस मैच के अंदर 10 विकेट यहाँ पे पेसर्स के थे और 6 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स के थे, यार यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिली थी, ठीक है। पहली पारी के अंदर 3 विकेट निकाला स्पिनर ने, और दूसरी पारी के अंदर आके शहबाज अहमद ने 3 विकेट निकाले, तो टोटल 6 विकेट निकाले थे, ठीक है। सनी वेदर यहाँ पर रहने वाला है, और आई थिंक दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आता है, मैं आपको फोर्स कभी नहीं करूँगा, पसंद आए तो लाइक करना और आप डिसलाइक कर सकते हो। कोई भी फाइनल टीम्स आएगी, फर्दर अपडेट्स आएगी, वो आपको कहाँ पर मिलेगी, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। कैसे जुड़ना है, ठीक है, आपको बताता हूँ मैं।
जैसे वीडियो खत्म होगा ना तब क्या करना, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाना, वहाँ पे सबसे टॉप पे आपको कमेंट पिन करा हुआ मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना, वहाँ पे लिंक रहेगा। तो आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आप हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे, लिंक इन द कमेंट सेक्शन। मैंडेटरी नहीं यार जुड़ना, यूट्यूब पे मैं आपको हरी मतलब हर एक चीज़ रहती ना वो बता देता हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, आप जुड़ सकते हो। टॉस के बाद कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है तब देखो। यहाँ पर न्यूज़ की बात करते हैं तो कंटेंट डीकॉक अवेलेबल सब जानते हैं, और आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि नैथन कुल्टरनेल को टीम क्यों नहीं खिला रही है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था, उनके कोच थे, उन्होंने कहा था कि नैथन कुल्टरनेल को ना निगल थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं अभी भी, तो उनको आई थिंक 2-3 मैचेस का और टाइम लग सकता है रिकवर करने के लिए, और ये पक्का प्लेइंग 11 के अंदर आएंगे जैसा उन्होंने कहा था कोच ने कि भाई मैं इनको पक्का खिलाऊंगा, पर ये फिट ही नहीं अभी नैथन कुल्टरनेल। और हैदराबाद की बात करते हैं तो भाई इनका होल्डर साहब अवेलेबल है, पहले मैच में आते ही 3 विकेट निकाले, अहम विकेट निकाले थे यार वहाँ पे विराट कोहली वगैरह को आउट करा था, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं अभी होल्डर। अब बात करते हैं आप एक इसकी, केन विलियमसन इस मैच में वापसी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जॉनी बैरिस्टो। जब दोनों टीम आपस में खेलती है तब क्या होता है, दोनों टीम्स ने आपस में 16 मैचेस खेले हैं और दोनों दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कांटे की टक्कर देती है, ये 8 जीती है, ये दोस्तों 8 जीती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइनअप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है, मुंबई इंडियंस की तरफ से क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन साउथ अफ्रीका से आते हैं लेफ्टी, रोहित शर्मा स्काई आएंगे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड, कुरनल पांड्या, एडम मिलिंद दोस्तों इस मैच में वापसी कर सकते हैं, हाई चांसेस है। मैक्रो अनसेन के बदले रहेंगे बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर। प्रमुख गेंदबाज कौन रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे कुरनल पांड्या और मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर, और अगर एडम मिलिंद खेलते हैं तो भी एक प्रमुख गेंदबाज रहेंगे। एडम मिलिंद दोस्तों न्यूजीलैंड के ओवरसीज प्लेयर हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर, बहुत तेज बॉलिंग कराते हैं यार, ठीक है। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करेंगे डेविड वार्नर, इन पर दोस्तों गिव अवे रखा मैंने, बहुत शानदार खिलाड़ी है, पिछले मैच में भी एक तरफा यही चले थे, अगर इनका कोई साथ दे जाता जैसे मनीष पांडे साथ दे जाते, जॉनी बैरिस्टो साथ दे जाते तो टीम आराम से जीत जाती है। आपको क्या करना है, स्टैट्स गुरुजी लिखना है ऐसे, ठीक है, मैंडेटरी लिखना, और आपको कमेंट करना है DW डेविड वार्नर कितने रन बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको कमेंट देना है आप गिव अवे जीतने के लिए। इनके साथ ओपन करते हैं वृद्धिमान शाह कीपर बैट्समैन, फिर आएंगे मनीष पांडे, बहुत स्लो खेला था पिछले मैच के अंदर यार, फिर जॉनी बैरिस्टो आएंगे, इनके बदले इस मैच के अंदर केन विलियमसन वापसी कर सकते हैं, अब्दुल समद, विजय शंकर के बदले दोस्तों आ सकते हैं प्रियम गर्ग या तो केदार जाधव, जस्टिन होल्डर, खान साहब, भुवी नटराजन, संदीप शर्मा। प्रमुख गेंदबाज कौन रहेंगे, प्रमुख गेंदबाज यानी कि जो चारों डालेंगे, होल्डर, खान साहब, भुवी नटराजन, संदीप शर्मा। संदीप शर्मा को पिछले मैच में बाहर बिठाया था, मेरे हिसाब से नदीम आ सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, मेरे हिसाब से यार संदीप शर्मा को खिलाना चाहिए, जो हेड टू हेड स्टैट्स है प्लेयर बैटल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा नाम है। अब बात करते हैं इसकी, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब क्या होता है, आपको ध्यान देना है, जब क्विंटन डीकॉक खेलते हैं हैदराबाद के अगेंस्ट में, SRH के अगेंस्ट में, तो क्या कर रहा है, 9 मैचेस के अंदर 41 की एवरेज है, 331 रन है, हाईएस्ट 69 नॉट आउट है, स्पेशली दूसरी पारी के अंदर अच्छा करा है। और आप देखो इसने हैदराबाद के अगेंस्ट में 9 मैचेस के अंदर 30+5 बार करा है, मतलब ये 9 में से 5 बार चला है हैदराबाद के, और पहली पारी में 69 नॉट आउट, 67-25-19-7, वहीं दूसरी पारी के अंदर 50-48-44-2। फिर आते हैं यहाँ से शर्मा जी, इनका 16 मैचेस के अंदर 18 की एवरेज है, हैदराबाद के अगेंस्ट में 227 रन है, हाईएस्ट 67 है, 50+1 बार करा है। ये दिखाता है कि रोहित शर्मा ने ना 16 मैचेस खेले हैं किसके, हैदराबाद के अगेंस्ट में, और सिर्फ एक 50+ स्कोर करा है इसने। और आपको ध्यान देना है पहली पारी के अंदर अच्छा करा है, 9 मैचेस के अंदर 19 की एवरेज है, 174 रन है, और दूसरी पारी के अंदर सिर्फ 53 रन है 7 मैचेस में, 13 की एवरेज है। फिर आएंगे यहाँ से स्काई सूर्य कुमार यादव, अलग ही फॉर्म में चल रहा है दोस्तों खिलाड़ी, 12 मैचेस के अंदर 23 की एवरेज है, 208 रन है, हैदराबाद के अगेंस्ट में हाईएस्ट 36, 30+2 बार करा है। मेरे हिसाब से ये शानदार खिलाड़ी दोस्तों, रिसेंट फॉर्म ना स्काई का अलग लेवल पे है, पहली पारी में 36-28-27-23-7-6-6-4, दूसरी पारी के अंदर 34-23-12 नॉट आउट 2। और वाइल चेसिंग सूर्य के माध्यम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ईशान किशन आएंगे 6 मैचेस के अंदर 25 की एवरेज है, हैदराबाद के खिलाफ में अच्छा करते हैं, आप खुद देख सकते हो 151 रन है, हाईएस्ट यहाँ पे 63 है, 30+3 बार करा है। अब देखो कैसे करा है, पहली पारी के अंदर 61-33-31-17-9 और दूसरी पारी के अंदर 0 करा है। हार्दिक पांड्या आएंगे, इनका स्टैट्स आप देख सकते हो, 9 मैचेस के अंदर हैदराबाद के अगेंस्ट में 13 की एवरेज, 89 रन, हाईएस्ट 28, 5 विकेट है विद द बॉल, बॉलिंग दोस्तों करा नहीं रहे हार्दिक पांड्या। पिछले मैच में इन्होंने कहा था, जो जाहिर खान थे ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था हार्दिक पांड्या विल बॉल सून, मतलब क्या हुआ कि थोड़े दिनों में बॉलिंग कराएंगे, अभी ऐसा नहीं कहा कि नेक्स्ट मैच के अंदर बॉलिंग कराएंगे। पहली पारी के अंदर हार्दिक पांड्या ने हैदराबाद के अगेंस्ट में 28-15
18 14 दो कराए, दूसरी पारी के अंदर 7-3 दो नॉट आउट। पोलार्ड साहब आएंगे, ये बॉलिंग करा रहे हैं, आज तक सिक्स बॉलर के ऑप्शन है इस टीम के। पिछले मैच में तो रोहित शर्मा ने भी बॉलिंग करा ली थी 15 मैचेस के अंदर। पोलार्ड का हैदराबाद के अगेंस्ट में 43 की एवरेज है, 383 रन है, हाई 78 है, 30+ 5 बार कराए, बॉलिंग से एक विकेट है। पहली पारी के अंदर 40 की एवरेज हैदराबाद के खिलाफ में, 202 रन है। दूसरी पारी के अंदर 6 मैचेस के अंदर 45 की एवरेज, 181 रन है। तो अच्छा करते हैं आमतौर पर पिच दोस्तों कुछ अलग ही है। जो आखिरी के अंदर बैटिंग करने आता है ना, उनको पिच सूट ही नहीं करती है, जो MH चिदम्बरम स्टेडियम की पिच है। ऐसा कहा जा रहा है, आपको बताऊँ एक फैक्ट बताऊँगा कि MH चिदम्बरम स्टेडियम पे ना एक पिच दोस्तों रेड सॉइल से बनी हुई है, उसके अंदर अच्छा मैच हो सकता है। पर अभी तक बताया नहीं कि रेड सॉइल वाली पिच को कब ये लोग यूज़ करेंगे। अगर इस मैच में यूज़ होती है तो आई थिंक यहाँ पे बहुत शानदार मैच आपको देखने को मिलेगा, अगर रेड सॉइल पे मैच होता है ना। तो कुरनाल पांडे की बात करते हैं, 9 मैचेस के अंदर 29 की एवरेज है, 177 रन है, हाईएस्ट 49 नॉट आउट है और बॉलिंग से 3 विकेट है। इस वेन्यू पे बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, हेड टू हेड स्टैट्स भी ठीक ठाक ही है, बॉलिंग से तो अच्छा करा है। पहली पारी में 0 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 3 विकेट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखेंगे नैथन कुल्टरनाइल, 7 मैचेस में 9 विकेट है, 2 मैचेस के अंदर खाली गए थे, मतलब कि 7 मैचेस खेल के उन्होंने SRH के अगेंस्ट 9 विकेट निकाले हैं और 2 मैचेस में कुछ नहीं करा था। आप देखो पहली पारी के अंदर बहुत अच्छा करा है, 5 में 8 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 2 मैचेस में 1 विकेट है। बुमराह जी आएंगे 10 मैचेस के अंदर, इनके 12 विकेट हैदराबाद के अगेंस्ट में और 4 मैचेस में 4 विकेट है पहली पारी में, और दूसरी पारी के अंदर 6 मैचेस में 8 विकेट है और 2 मैचेस में खाली गए थे। मतलब 10 मैचेस खेल के 12 विकेट निकाले ना उन्होंने, तो 2 मैच ऐसे भी आए थे जिसके अंदर ये कुछ नहीं करे थे। फ्रैंक ट्रेंट बोल्ट 6 मैचेस के अंदर 5 विकेट है पहली पारी में 2 में 2, और दूसरी पारी के अंदर अपन कह सकते हैं कि 4 मैचेस के अंदर इनके 3 विकेट थे और 2 मैचेस में विकेट लेस गए थे। फिर आएंगे यहाँ से राहुल चर, इनके 4 मैचेस में 2 विकेट है। मेरे हिसाब से दो इनकी दिक्कत है यार, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है ना, SRH उसको अच्छे से नहीं खेल पा रही है। आपने पिछले मैच में कहा युजवेंद्र चहल को तो अच्छे से खेल लिया था SRH ने, पर दिक्कत क्या थी, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है ना, जॉनी बेयरस्टो, तो पूरी इंग्लैंड वाली सीरीज थी ना, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की टेस्ट सीरीज, उसमें कितना स्ट्रगल करा था यार अक्षर पटेल के अगेंस्ट में। तो उनकी दिक्कत है थोड़ा सा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने। तो यहाँ पर आई थिंक राहुल चहर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुरनाल पांड्या। एडम मिलिन एक मैच के अंदर 1 विकेट है, हेड टू हेड मैचेस के अंदर इस मैच में वापसी करेंगे। इस साल इन्होंने ना 11 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं और IPL के अंदर इन्होंने आज तक ना इतिहास के अंदर 6 मैचेस खेले और 4 विकेट है। T20 के अंदर 107 में 124 विकेट है। नीशम बाबा का आप देख सकते हो 21 रन है, इसी तरह पीयूष चावला का दिया, तिवारी का दिया मैंने। स्टार्टिंग को डालेंगे ट्रेंट बोल्ट, बुमराह या फिर यहाँ से नैथन कुल्टरनाइल तो शायद ही फिट होंगे, यहाँ से एडम मिलिन या तो फिर माइक्रो अनसेन डेथर में भी ये आएंगे। हैदराबाद की बात करते हैं, आपको ध्यान देना है यहाँ पर डेविड वार्नर का 19 मैचेस के अंदर 42 की एवरेज है, 637 रन है, हाईएस्ट 90 नॉट आउट है, 30+ 9 बार करा है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, और रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है इस खिलाड़ी का। पिछले मैच में बहुत गलत शॉट मारा था उन्होंने, डायरेक्ट कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे ऐसा लग रहा था। फर्स्ट इनिंग्स के अंदर इन्होंने मुंबई के खिलाफ में 6 मैचेस में 224 रन करें, दूसरी पारी के अंदर 13 मैचेस में 400+ रन करें और 41 की एवरेज। विद्यमान साहब MI के अगेंस्ट में ठीक ठाक कर लेते हैं वाइल्ड चेसिंग। आप देखो 17 मैचेस के अंदर बैटिंग सिर्फ 13 बार आई है, किसकी, रिद्धिमान शाह की, क्योंकि पहले लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते थे ना, तब ओपनिंग करने लगे। तो 39 की एवरेज है, 353 रन है, हाईएस्ट 93 नॉट आउट है, 50+ 4 बार करा है वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट। रिद्धिमान शाह 34 की एवरेज, 7 मैचेस के अंदर 142 रन है। वाइल्ड चेसिंग आप देख सकते हो 45 की एवरेज, 6 मैचेस के अंदर 181 रन है। पांडे जी आएंगे दोस्तों यहाँ पर, इनका देखो 19 मैचेस के अंदर 36 की एवरेज है, MI के खिलाफ में 578 रन है, हाईएस्ट यहाँ पे 81 है, 30+ 9 बार करा है और 18 पारियों के अंदर उन्होंने बैटिंग करी है, मतलब एक मैच ऐसा आया था उसमें इसकी बैटिंग नहीं आई थी। वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट 6 मैचेस के अंदर 242 रन है, वाइल्ड बैटिंग सेकंड 30 की एवरेज है, 336 रन है। लेकिन बात वो आती है कि आपको पॉइंट्स तो दे ही जाएंगे, एक तो कैचिंग करते हैं, लॉन्ग ऑन पे खड़े रहते हैं तो लॉन्ग ऑफ पे, तो वहाँ पे इनको आराम से 16 से 24 पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब 2-3 कैच तो पकड़ लेते हैं हर मैच के अंदर। और दूसरा फैक्टर क्या है, ये टुक टुक कर करके जैसे कि 30 बॉल के अंदर 25 रन बना दिया, 27 रन बना दिया, ऐसे रन बना जाते हैं। थोड़ा स्लो खेल रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों, देखने लग रहा है दोस्तों क्या इस मैच के अंदर कम बैक कर पाते हैं। इनका स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा इशू रहा था। जॉनी बेयरस्टो 2 मैचेस के अंदर 25-16 करा है, दोनों बार चेसिंग करते हुए करा है MI के खिलाफ में। विजय शंकर 6 मैचेस के अंदर 76 रन है, हाईएस्ट 43, 0 विकेट्स है, 5 बार बैटिंग करी, 6 मैचेस खेल के, अब देखो कैसे रन करा है। वेल बैटिंग फर्स्ट 43 MI के खिलाफ में, नॉट आउट 1, 15 बैटिंग सेकंड, 12 बैटिंग सेकंड, 5 बैटिंग सेकंड। अब्दुल समाप्त का 2 मैचेस के अंदर
20 रन है और ये 20 रन इसने 9 बॉल के अंदर बनाया था, ठीक है, मतलब 20 फ्रॉम 9 बॉल्स, और एक बार तो बैटिंग नहीं आई थी। मेरे हिसाब से जो अब्दुल समाद है ना, वाइल्ड चेसिंग अच्छा करते हैं दूसरी बारी के अंदर। जसन होल्डर एक मैच के अंदर 2 विकेट है अगेंस्ट MI, और खान साहब का 8 मैचेस के अंदर 8 विकेट है, पहली पारी के अंदर 4, दूसरी पारी के अंदर 4 विकेट है। फिर आएंगे यहाँ से भुवनेश्वर कुमार, 16 मैचेस के अंदर 14 विकेट है, पहली पारी के अंदर आप देख सकते हो कि इनका 7 मैचेस के अंदर 6 विकेट है, वहीं दूसरी पारी के अंदर इनका 9 मैचेस के अंदर 8 विकेट है। टी नटराजन का 5 में 4 विकेट है। संदीप शर्मा दोस्तों आपसे कह रहा था कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 मैचेस के अंदर 18 विकेट है, पहली पारी के अंदर इनका 11 विकेट है 7 मैचेस के अंदर, संदीप शर्मा का MI के खिलाफ में, और दूसरी पारी में 7 में 8 विकेट है। रिसेंट फॉर्म खराब है यार, बस वही दिक्कत है इनका यार, 7 मैचेस में 6 विकेट था। शहबाज नदीम का आप देख सकते हो 11 मैचेस के अंदर 9 विकेट है, मुंबई इंडियंस के खिलाफ में हेड टू हेड मैचेस के अपन बात कर रहे हैं, पहली पारी में 9 मैचेस में 7 विकेट है और दूसरी पारी के अंदर 2 में 2 विकेट है। केन विलियमसन 7 के अंदर 96 रन से मैचेस के अंदर मुंबई इंडियंस के खिलाफ में, हाईएस्ट इनका 53, यहाँ पर 50 प्लस एक बार करा है, पहली पारी के अंदर 29-2 और दूसरी पारी के अंदर 53-6 करा है। नबी का आप देख सकते हो, गर का देख सकते हो यहाँ पे, प्रियम गर्ग है ना, हर प्लेयर के स्टार्ट शूज आपको मिलेंगे, मुजीब तक का मैंने दे रखा है, जसन रॉय का तक का दे रखा है मैंने। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में डालेंगे भुवी होल्डर, टी नटराजन, डेथ में आएंगे भुवी होल्डर नटराजन और एक और खान साहब डालते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, जब भी स्वेनी के ऊपर मैचेस में तब क्या हुआ है, क्वेंटन डीकॉक ने स्वेनी के ऊपर 15-8-4-2 करा है, रोहित शर्मा ने यहाँ पर 12 मैचेस खेल के 222 रन। अब देखो एज ए ओपनर है ना, जब भी ओपनिंग करते हैं स्वेनी के ऊपर तो मैंने इस मार्क किया है, क्योंकि आपको पता है रोहित शर्मा ना पहले 2 नंबर पे खेलते थे, 2 डाउन खेलते थे मुंबई इंडियंस के लिए 2-3 साल पहले, यार आता है ना आपको, तो यहाँ पे क्या करा है, जब इन्होंने ओपनिंग करा ना स्वेनी के ऊपर तो मैंने ऐसा मार्क करा है, ऐसा ये देख रहे हो ना आप, इस तरह का मार्क। तो देखो यहाँ पे क्या करा है, 67 वाइल बैटिंग फर्स्ट और 43 बैटिंग फर्स्ट 19-19-8, वाइल बैटिंग सेकंड 23-18-13-4-4-4-0। सूर्यकुमार यादव के यहाँ पे दोस्तों 6 मैचेस के अंदर 55 की एवरेज रन, देखो इनका 165 रन, यार पहली पारी के अंदर देखो 56-31-24-23-71-16, 56 तो पिछले मैच में बनाया था इसने केकेआर के अगेंस्ट में, क्या नॉक थी यार वाली। ईशान किशन 3 मैचेस के अंदर 28-28 एक करा है स्वेनी के ऊपर। हार्दिक पांडे का 5 में 85 रन है, पहली पारी में 23-13-15 और दूसरी पारी के अंदर 21 नॉट आउट 13 नॉट आउट। कुरनाल पांड्या का आप देख सकते हो स्वेनी के ऊपर 1 विकेट है, 2 विकेट है, 1 विकेट, 1 विकेट, तो यहाँ पे अच्छा करते हैं, कुछ ना कुछ आपको करके देंगे। पोलार्ड साहब यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए 57-24-13-8-7-5-2, बैटिंग सेकंड 22-5-3-1। नथन कुटनन का आप देख सकते हो, बुमराह का यहाँ पर 4 विकेट है 4 मैचेस के अंदर और चारों विकेट्स इन्होंने दूसरी पारी के अंदर निकाले थे। ट्रेंट बोल्ट का यहाँ पर 4 विकेट है 4 मैचेस में और इन्होंने 3 विकेट दूसरी पारी के अंदर निकाला था, जिसपे आपको डबल कोट्स दिख रहा है ना, इसका मतलब है दूसरी पारी के अंदर निकाला था। जिसके अंदर आपको सिंगल कोट दिख रहा है ऐसा, इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर इन्होंने निकाला था। राहुल चेर 6 विकेट है स्वेनी के ऊपर, 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, 0 विकेट, 0 विकेट बॉलिंग सेकंड, 0 विकेट के बाद इन्होंने सीधा 4 विकेट निकाल दिया। जो लास्ट मैच था ना यार, मैच चेंजिंग इनकी बॉलिंग थी वाली पूरी। मैक्रो अनसन का यहाँ पे 2 विकेट है 0 विकेट है, क्रिस लिन का आप देख सकते हो, इनका देख सकते हो। हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे डेविड वार्नर ने क्या करा है, 14 मैचेस के अंदर 394 रन करें, वाइल बैटिंग फर्स्ट 135-57-54-28, बैटिंग सेकंड 53-44-38-21 12-3-0-3। फिर आएंगे स्मृतिमान शाह, 17 मैचेस के अंदर 13 बार बैटिंग करी है, 174 रन है, वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट 46 है, नॉट आउट 39-27-18-101 और बैटिंग सेकंड में तो कुछ नहीं करा है, 15-8-7-6-6-0। पर हेड टू हेड स्टैट्स के अंदर ना वृद्धिमान शाह का वाइल्ड बैटिंग सेकंड अच्छे स्टैट्स है, ये आपको ध्यान देना है। मनीष पांडे 9 मैचेस के अंदर 224 रन है, 35 की एवरेज है, 83 पहली पारी में, दूसरी पारी के अंदर आप देख सकते हो 61-15-13-12-4, पहली पारी में 83-9-5-4-38। जॉनी बैरिस्टो के यहाँ पर 3 मैचेस के अंदर 0-55-12 है। केन विलियमसन का स्वेनी के ऊपर 28-26 है, 28 आया था बैटिंग फर्स्ट और 26 नॉट आउट आया था बैटिंग सेकंड के अंदर। अब्दुल समाद का 19 नॉट आउट 0, विजय शंकर का यहाँ पे 6 मैचेस के अंदर 30 रन, 26 रन, 18-14-11-3। होल्डर का यहाँ पे 4 मैचेस में 3 विकेट है। खान साहब का यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मैचेस के अंदर 5 विकेट है। भुवनेश्वर कुमार का 7 मैचेस में यहाँ पर 5 विकेट है। नटराजन का यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इनका यहाँ पे 6 विकेट है 6 मैचेस के अंदर। संदीप का 3 में 1 विकेट है। शहबाज नदीम का 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट है। नबी का आप देख सकते हो। प्लेयर बैटल की बात करते हैं जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है यहाँ पे प्लेयर बैटल के अंदर ना, आपको कुछ अलग नाम सीखेंगे यार इस वाले मैच के अंदर। पहले बात करते हैं क्विंटन डीकॉक वर्सेस होल्डर।
35 बॉल के अंदर दो बार आउट करा है इनको, दोनों बार पहली पारी के अंदर चल रहा करा है। खान साहब ने भी इनको एक बार आउट करा है, रन ने बॉल दिया है 38 बॉल के अंदर, आई थिंक 39 बॉल के अंदर 38 रन दिया है। भुवी ने एक बार आउट करा है, संदीप शर्मा ने एक बार आउट करा है। शर्मा जी आएंगे, इनका स्ट्रगल है दोस्तों यहाँ पे संदीप शर्मा के सामने, यहाँ पे शर्मा वर्सेस शर्मा होगा, ठीक है। 43 बॉल के अंदर इनको चार बार आउट करा है संदीप शर्मा ने रोहित शर्मा को, और तीन बार तो इनको पहली पारी के अंदर चलता करा है। और खान साहब ने एक बार आउट करा है, भुवी ने एक बार आउट करा है, होल्डर ने यहाँ पे तीन बार आउट करा है, और तीनों बार इनको पहली पारी के अंदर चलता करा है 163 बॉल्स के अंदर। स्काई आएंगे, इनका स्ट्रगल है संदीप शर्मा के सामने, 30 बॉल के अंदर तीन बार आउट हुए हैं, और तीन में से इनको दो बार तो पहली पारी के अंदर चलता करा है। नदीम ने एक बार आउट करा है, और भुवी ने इनको एक बार आउट करा है। और सूर्य कुमार यादव का स्ट्रगल हमेशा लेफ्ट आर्म पेसेस के सामने रहा है थोड़ा सा। अब चलते हैं यहाँ पर किसकी तरफ, आपको दिखेंगे ईशान किशन, इनका स्ट्रगल है संदीप शर्मा के सामने, 20 बॉल के अंदर दो बार आउट हैं, दोनों बार इनको पहली पारी के अंदर चलता कर रहा है। नटराजन ने 11 बॉल के अंदर एक बार आउट करा है, नबी ने एक बार आउट करा है, और ईशान किशन ना लेग स्पिन के सामने फंसते हैं, ये आपको ध्यान देना है। पर आज तक कभी भी राशिद खान के सामने आउट ही नहीं हुए, ये बात देख के अच्छी लगती है। हार्दिक पांड्या, इनका स्ट्रगल है खान साहब के सामने, 33 बॉल के अंदर सिर्फ 18 रन है, और दो बार आउट हुए, दोनों बार पहली पारी के अंदर चलता करा है। होल्डर ने एक बार आउट करा है, भुवी ने एक बार आउट करा है। पोलार्ड का स्ट्रगल है यहाँ पर, भुवी के सामने, नबी, होल्डर के सामने, कृणाल पांड्या वर्सेस राशिद खान वर्सेस भुवी होगा। डेविड वार्नर का स्ट्रगल है जसप्रीत बुमराह, 44 बॉल के अंदर दो बार आउट करा है, और दोनों बार इनको पहली पारी के अंदर चलता करा है। ट्रेंट बोल्ट ने एक बार आउट करा है, कुल्टर नाइल ने एक बार आउट करा है। वृद्धिमान सा का स्ट्रगल है बुमराह के सामने, ट्रेंट बोल्ट, कृणाल पांडे के सामने, और लेग स्पिन के सामने वैसे ही फंसते हैं, तो राहुल चारवी इनको आउट कर सकते हैं। मनीष पांडे का स्ट्रगल है नैथन कुल्टर नाइल के सामने, बुमराह के सामने आउट नहीं हुए, ट्रेंट बोल के सामने आउट हुए, ना कृणाल पांडे के सामने आउट हुए, ना राहुल चार के सामने आउट हैं, सिर्फ पोलार्ड के सामने आउट हैं। फिर आगे केन विलियमसन, इनका स्ट्रगल यार कृणाल पांडे के सामने ज़्यादा है, 20 बॉल के अंदर दो बार आउट करा है। पोलार्ड ने तो दो बॉल के अंदर आउट करा है, बुमराह ने इनको 131 बॉल के अंदर दो बार आउट करा है, उनको डिफेंसिवली खेलते हैं। फिर आएंगे यहाँ से कौन, आपको दिखेंगे जॉनी बैरिस्टो, इनका स्ट्रगल है किसके सामने, ट्रेंट बोल्ट के सामने, 15 बॉल के अंदर दो बार आउट हुए। राहुल चेयर ने इनको जो T20 आई की सीरीज हुई थी ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, तभी भी इनको बोल्ड करा था वहाँ पे, 8 बॉल के अंदर दो बार आउट कर चुके हैं जॉनी बैरिस्टो को राहुल चेयर, और दोनों बार दूसरी बारी के अंदर करा है। विजय शंकर का स्ट्रगल है कुल्टर नाइल, कृणाल पांड्या, ट्रेंट बोल्ट के सामने। कॉमन कैप्टन दिखेंगे आपको डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ग्रैंड लेग के अंदर इसको बनाओ दोस्तों यहाँ पे डेविड वार्नर को, स्काई को, रोहित शर्मा, होल्डर साहब को, थोड़ा डिफरेंट जाना है तो आप ट्राई कर सकते हो क्विंटन डीकॉक, ईशान किशन, मनीष पांडे। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, डिसलाइक कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे अब टीम्स की, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे कैप्टन है डेविड वार्नर, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे बना रखा है सूर्य कुमार यादव को, आप दोस्तों इनको भी बना सकते हो, मनीष पांडे, रोहित शर्मा, वृद्धिमान शाह, क्विंटन डीकॉक, जसवंत होल्डर, और यहाँ से कृणाल पांड्या, बुमराह, नटराजन, और यहाँ से आपको राहुल चार दिखेंगे, ठीक है। ग्रैंड लीग क्या करना है दोस्तों, बहुत शानदार मैच लग रहा है फिर से ग्रैंड लीग के लिए, मतलब यहाँ पर बस आपको दो तीन प्लेयर्स को रोटेट करना है, उससे दोस्तों आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, बस जो अपोनेंट्स है ना उनसे दोस्तों आपको एक दो कदम आगे रहना है, ठीक है। यहाँ पे जॉनी बैरिस्टो हो गए, क्विंटन डीकॉक, ईशान किशन और रिद्धिमान साहब, ये चार कीपर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आप स्टैट्स देखते हो तो दिक्कतें क्या आती हैं, जॉनी बैरिस्टो थोड़ा सा नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो ये आते हिटिंग करेंगे, और वहाँ पर कृणाल पांड्या रहेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। वैसे दोस्तों जॉनी बैरिस्टो ने पूरी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सीरीज के अंदर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर अक्षर पटेल के सामने स्ट्रगल करा था, तो जॉनी बैरिस्टो को थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने, वरना बड़ी पारी भी खेल सकते हैं इनका दिन रात हो, ठीक है। ईशान किशन दो तीन मैच में दोस्तों कुछ नहीं करा है, लेकिन टैलेंटेड बंदा है। क्विंटन डीकॉक, इनके स्टैट्स दोस्तों अच्छे हैं स्पेशली दूसरी पारी के अंदर, पहली पारी में भी अच्छा करा है। वृद्धिमान शाह, इनके भी दोस्तों अच्छे स्टैट्स हैं वाइल्ड चेसिंग अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से वृद्धिमान शाह, क्विंटन डीकॉक, ये तो दो टॉप पे हैं, फिर जॉनी बैरिस्टो, फिर ईशान किशन। चलते हैं यहाँ पर स्काई की तरफ, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मनीष पांडे के दोस्तों इशू क्या है, स्ट्राइक रन रेट, मतलब कितना स्लो खेल रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे देंगे। पिछले मैच के अंदर भी आपने देख रहे यार कितने कैचेस पकड़े थे भाई ने, दो तीन तो कैच पकड़ लेते हैं, यहाँ पे देखो दो कैच के 16 पॉइंट्स। इस मैच में भी इन्होंने पक्का कैच पकड़ा होगा, यहाँ आप देख रहे हो एक कैच पकड़ा था, ये लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करते हैं, कैचिंग इनको मिलती है। डेविड वार्नर स्पेशल खिलाड़ी यार, पिछले मैच के अंदर पूरा मैच लगभग निकाल दिया था उन्होंने। रोहित शर्मा के दोस्तों स्टैट्स अगेंस्ट SRS थोड़े से खराब है, लेकिन खराब करने वाला कौन था, संदीप शर्मा था, अगर वो खेलता है तो रोहित शर्मा के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, वरना ऑलवेज कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं रोहित शर्मा। तो पोलार्ड को ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर लेना, बॉलिंग करा रहे हैं, सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के, कटर्स वगैरह डालेंगे तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ग्रैंड लीग के अंदर जरूर ट्राई करना जब आप ईशान किशन, क्विंटन डीकॉक या फिर सूर्य कुमार यादव या तो रोहित शर्मा से किसी को ड्रॉप करोगे तो।
होल्डर इंपॉर्टेंट, कृणाल पांड्या थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों पारियों में, स्पेशली दूसरी पारी के अंदर। फिर चलते हैं यहाँ पे खान साहब, इनका ना 8 मैचेस के अंदर 8 विकेट है मुंबई के खिलाफ में, और हर मैच के अंदर एक एक विकेट निकाला, मतलब 8 मैच हुआ ना तो 8 के 8 मैचेस में एक एक विकेट निकाले, ऐसे एक विकेट एक विकेट एक विकेट एक विकेट, ऐसे 8 मैचेस में एक एक विकेट निकाले, ठीक है। तो आपको 30-40 पॉइंट दे सकते हैं इस मैच के अंदर, अच्छे खिलाड़ी हैं दोस्तों। खान साहब को सब जानते हैं भाई, करामाती खान साहब है। ट्रेंट बोल्ट अगर MI पहले बॉलिंग करे मस्ट पिक, राहुल चहर दूसरी पारी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बुमराह मेरे हिसाब से क्वालिटी बॉलर है यार, सब इसको अंडर एस्टिमेट करें, मेरे हिसाब से तगड़ा गेंदबाज है। टीम नटराजन SRH पहले बॉलिंग कराते हैं, डेथ ओवर में एक दो डालते ही हैं, भूवी को ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, ये चलते हैं ना तो एक तरफा चलते हैं, ये टॉप ऑर्डर को दोस्त करेंगे, हाँ तो रोहित शर्मा को आउट करेंगे, फिर क्विंटन डीकॉक आउट कर सकते हैं, डीकॉक इतना स्ट्रगल नहीं करते हैं, मूवी के सामने जो मैंने ऑब्जर्व करा है, ठीक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, ये भाई साहब खेले तो ले लेना दो तीन टीम्स के अंदर, ठीक है। तो वही कहूँगा दोस्तों, कोई अपडेट्स आएगी टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी, क्या करना है लिंक इन द कमेंट सेक्शन वीडियो के, ठीक है, वहाँ पर आपको जाना है, क्लिक करना है, जिसके अंदर 81,000 सब्सक्राइबर्स रहेंगे, जुड़ जाना है। तो देखते रहिए दोस्तों स्टैट्स गुरु जी, वीडियो पसंद आए लाइक करके जाना है, वरना दोस्तों आप डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी, जय हिंद जय जवान जय किसान।